नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। और आज की अहम खबर, दो दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आज मथुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके घर में खाना भी खाया। इससे पहले अमित शाह मथुआ समाज के एक मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कोलकाता की, जहां पर गृह मंत्री दो दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। यानी मिशन बंगाल का आगाज गृह मंत्री ने कुछ इस अंदाज में किया है और मुमकिन है कि इन तस्वीरों के जरिए ममता सरकार भी परेशान होगी कि वो समुदाय जो हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक है, ममता सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है, उस पर किस तरह से आज की तस्वीरें सबसे ज्यादा अहम होने वाली हैं, क्योंकि खुद गृह मंत्री उन लोगों के बीच पहुंचे हैं, मथुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात की है, उनके दुख दर्द को जाना है और साथ ही उनके घर में बैठकर खाना खाया जा रहा है। बांग्लादेश के प्रवासी हिंदू हैं मथुआ और उन्हीं के बीच में बैठकर वो खाना खा रहे हैं। ये तस्वीरें उनके घर की, जहां पर आज गृह मंत्री पहुंचे हैं। कल भी वो बांकुड़ा पहुंचे थे दो दिन के बंगाल दौरे के दौरान और वहां पर भी उन्होंने आदिवासी परिवार के घर खाना खाया था और बड़े ही चाव से दोनों ही तस्वीरों में वो खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक जो बंगाली थाली होती है, हर समाज का अलग खाने का तौर तरीका होता है, अलग तरह के व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों को शामिल करती हुई ये थाली गृह मंत्री के सामने परोसी गई है। पत्तल पर वो खाना खाते हुए आपको दिख रहे हैं और इस पत्तल में वो हर चीज़ है जो किसी भी मेहमान को घर आने पर परोसी जाती है, वो चाहे आदिवासी समाज हो या फिर मथुआ समाज हो या फिर किसी और समाज से क्यों ना ताल्लुक रखता हो। और हमारे साथ उज्जवल रॉय कोलकाता से जुड़ रहे हैं सहयोगी। उज्जवल, आज पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों में 2021 पश्चिम बंगाल की बैटल को किस तरह से बहुत चुनौतीपूर्ण बना दिया है ममता सरकार के लिए? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है, क्योंकि ये जो है और कुछ ही महीना रह गए है कि जो चुनाव है बंगाल के, और ये चुनाव में जो भाजपा है वो महत्वपूर्ण भूमिका लेने वाले हैं। लेकिन ये बात है कि हम देखे कल देखे हैं वो बांकुड़ा में अमित जी ने खाना खाए आदिवासी समुदाय के घर में और आज मथुआ के समाज के घर में। ये बात देखे, एक बात, एक मैसेज जो दिया है कि आदिवासी समाज जो है, मथुआ समाज जो पीछे बढ़ गए, उसके साथ भाजपा कैसे जुड़ा रहना चाहता है। और ये बात लेके जो चर्चा चल रही है, मैं अभी EZCC का बाहर खड़ा हूँ। ये जो अमित जी के जो दौरे का दूसरे दिन है और दूसरे चरण का जो चर्चा चल रहा है, बैठक चल रहा है, इसमें कार्यकर्ता को जो वही बात बोले जो रणनीति बनाना है कि जो लोकसभा चुनाव इससे पहले हुआ था उसमें जो रिजल्ट सामने में आए थे उसमें दो चीज दिखाई गई कि उत्तरी बंगाल हो या दक्षिणी बंगाल, उसमें जहाँ पे आदिवासी समुदाय ज्यादा है उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा किया, भाजपा का पकड़ वहाँ पे बहुत सख्त है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे अभी तक वहाँ वो जगह इतना भी सख्त जिला है, लेकिन इसी बात को लेकर चर्चा हो रहा है जो जगह है जहाँ पे जो पिछड़े वर्ग है, जहाँ पे मथुआ समुदाय ज्यादा रहते हैं, जहाँ पे आदिवासी समुदाय ज्यादा रहता है, वहाँ के पकड़ और भी मजबूत करना है और जहाँ पे ढीला है वहाँ को कैसे मजबूत किया जाए, उसके बारे में चर्चा चल रही है। लेकिन 2021 में जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में और एक बात भी है कि अभी तक जो दिखाई जा रहा है कि ये पूरा स्टेट को लेके जब यहाँ बैठक शुरू होने से पहले अमित जी ने स्पष्ट कर दिया था कि ऑल आउट उतरना है, विपक्षी क्या कर रहे हैं, ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर नजर ना रखते हुए सबको उतर जाना है जो चुनावी मैदान में, और चुनावी मैदान में आपका 100% देना है। दूसरी बात कि अभी तक यहाँ पे चुनावी चेहरा कौन है, ये सवाल जब विपक्ष पूछते हैं उसको भी ना देखते हुए अपना जो काम है, अपने क्षेत्र का जो काम है, उस काम को ठीक से किया जाए और जितने जो आदमी है, जितना वोटर है, जितने पिछड़े वर्ग है, सबके अंदर जाने के लिए बोला है और अपने जो प्रचार ये उसको सामने के रखने के लिए बोला है। सब मिला के अभी से बहुत पहले से ये पहला पार्टी है जो इतने आगे से जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव का काम चालू कर दिया, जो चुनावी जो बिगल बजा दिया अमित शाह जी ने, उसको सामने दिख रही है पश्चिम बंगाल में। उज्जवल, जैसा आप खुद भी ये बात कह रहे हैं और जैसे ही अभी हमारे साथ हमारी दूसरी सहयोग भी जुड़ी हुई थी आशिका, उन्होंने भी बताया कि यहाँ मथुआ समुदाय से मुलाकात करने पहुंचे, उनके घर भोजन करने पहुंचे गृह मंत्री, वहीं दूसरी तरफ मथुआ समाज के लिए एक बड़े
प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया, एक राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है ममता सरकार ने, तो ये चिट भी इधर जा रही है तो उधर से पट भी कोशिश कर रही है संभालने ममता सरकार, लेकिन क्या इतना आसान दिख रहा है? क्योंकि स्ट्रांग रणनीति जरूर नजर आ रही है बीजेपी की, क्योंकि गृह मंत्री का ये दो दिन का दौरा अपने आप में बहुत अहम है चुनाव के बिगुल के आगाज के तौर पर। एकदम सही बात की आप, क्योंकि जो रणनीति अभी तक ने बनाया है, जो रणनीति दिखाई जा रहा है, वो एक बात हम जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे, जो पिछड़े वर्ग है, मतुआ है, आदिवासी समाज है, ये सब समुदाय के मिलके जितना लोकसभा चुनाव के साथ जो भाजपा के साथ थे, वो विधानसभा चुनाव में भी जो साथ में रहे, तो उसके बाद भी जहाँ पे वहाँ पे पकड़ कम है, जहाँ पे मजबूती नहीं है, वहाँ पे भी पकड़ और भी मजबूत करे तो भाजपा समझते के उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और ये बात पहले से शुरू कर, क्योंकि एकदम क्या बोलते हैं उसको, ढांचा जो ढांचा बनाया हुआ है, वो ढांचा के अंदर पार्टी को काम करना है, और जो स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो रणनीति सामने रख के अभी से ऑल आउट आना है। जो चुनाव बंगाल के चुनाव है, एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि लंच डिप्लोमेसी जिस तरह से गृहमंत्री निभाते हुए बीजेपी के लिए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, पश्चिम बंगाल में सियासी पारा इन तस्वीरों के जरिए ही बढ़ गया है। इधर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की दो तिहाई बहुमत से जीत का दावा कर दिया है। अमित शाह के इस दावे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। ममता के गढ़ में अमित शाह की हुंकार, विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा, सत्ता परिवर्तन की ओर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ आक्रोश, कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगा कर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का जो मूड दिखाई दे रहा है, वो ममता सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाला है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने ये भी दावा किया कि जनता अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का मन बना चुकी है। मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ माने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है, और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग बंगाल में, मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो, तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर हो सकता है, वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था, वहां पर बहुत गोताही यहां दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा, मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को, उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, दो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में
ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करें और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और मां काली का आशीर्वाद लिया। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। अंदर जाके वो पूजा दिए, माँ काली के पूजा दिए और बहुत अच्छी तरह से पूजा हुआ और बहुत क्या बोले, वो जो वो बोले हैं ना कि बंगाल का जो ऐतिह्य है, जो संस्कृति है, वो फिर से जगाना है, कहीं पर हम लोग ये सब भूल जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने गुरुवार को आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके घर पर पारंपरिक तरीके से खाना खाया। इस दौरान बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात का भी ऐलान किया कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। अमित शाह के दावे पर ममता का पलटवार, लक्ष्मण रेखा पार ना करने की नसीहत। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव साख की जंग जैसे हैं। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी के हाथों बड़ा झटका खा चुकी हैं और अब एक बार फिर अमित शाह पश्चिम बंगाल में सत्ता और शासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के अभियान के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। तो आलू का भाव इतना बड़ा, कौन उकड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बड़ा, कौन देखेगा? एसएनजीएल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा? चावल आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा तो कौन किसको फेंकेगा? हमारे रिक्वेस्ट हो चामराज के रिव्यू मीटिंग थे कि हमें एक चिठी देखो फेंकेछि। আমি চিফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করব এগ্রিকালচার মার্কেটিং এর সাথে কথা বলে আমার নামে একটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে চিঠি যাবে। पश्चिम बंगाल में लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था जहां बड़ा मुद्दा, वहीं बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी सत्ता और शासन पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि पूरी बीजेपी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता सरकार को घेर रही है, जबकि ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। उज्ज्वल, आज जिस मतुआ समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे गृह मंत्री, ये मतुआ समुदाय 2021 के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, एक बात बंगाल में चालू है कि हर वक्त ये जो सियासी पार्टी है इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये लोग ये पिछले वर्ग के सामने रखते हुए सत्ते की रोटी सेकते हैं। लेकिन हम लोग जो देखे, अमित शाह जी ने आए और एकदम आदिवासी समुदाय के घर में गए, उसके घर में जाके भोजन किए और आज देखे मतुआ समुदाय के घर में जाके भोजन किए। इसके बाद में ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, जो निर्णय दे दिया है कि जितने वो जो भाजपा है, भाजपा के साथ कैसे वो लोग जुड़ा रहे, कैसे उन लोग के साथ एकजुट होकर कैसे आगे बढ़े। तो ये बात लेके जो सामने जो 2021 के जो विधानसभा चुनाव है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि
पिछड़े वर्ग के आदमी के भाजपा के साथ है, लोकसभा चुनाव में भी जैसे साथ में थे, विधानसभा चुनाव में भी कैसे साथ रहेंगे। ये बात, ये जो बात जो स्पष्ट कर दिया अमित जी ने, ये बात लेके सामने जाके जो जो चुनावी मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा में भाजपा प्रचार करेगी, चुनावी मुद्दा में सामने रखते ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन जो विरोधी है, जो विपक्ष है, उसके उसके सामने ये बात अभी तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा जो जो सवाल है, ये सवाल उठाने से पहले ये जवाब भाजपा की तरफ से मिल जाएगी। ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात जो है, जी 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 बिल्कुल, मैं जरूर आगे आपकी बात सुनूंगी। इस बीच अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल अमित शाह सबसे पहले बंगाल के आदिवासी बहुल क्षेत्र बांकुड़ा गए थे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, और इसके बाद बांकुड़ा में ही आदिवासी परिवार के घर गए और वहां दोपहर का खाना खाया। अमित शाह ने आज कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन किए और इसके बाद पद्म भूषण शास्त्रीय गायक जॉय चक्रवर्ती से मुलाकात की, और इसके बाद कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे और वहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिले। दोपहर में बांग्लादेश के प्रवासी हिंदू यानी मथुआ समाज के लोगों के बीच अमित शाह गए और मथुआ समाज के एक आदमी के घर खाना भी खाया। जी उज्ज्वल, आप अपनी दूसरी बात कहिए, वो जो एक हिस्सा हो गया था और दूसरा रह गया था। दूसरे हिस्सा जो है कि जो जहां जहां पे अभी तक भाजपा की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, वहां पे कैसे मजबूत किया जाए, उस बात को लेके ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहां पे ZCC में जो चर्चा चल रही है, तो उसके बात पे भी बहुत चर्चा हो रही है, कहां कहां पे नहीं है, बहुत कैलकुलेट हुए होके ये चर्चा चल रही है, कहां कहां पे है, ये एक चित्र बनाया गया है, ये कहां कहां का बीजेपी का पकड़ मजबूत है, वहां पे पकड़ और भी मजबूत करना चाहिए, जहां जहां पे थोड़ा ढीला है, जहां पे मजबूत नहीं है, उस पे मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये सब बात लेकर चर्चा चल रही है। अमित जी राज्य नेता जो है, जिले का जो नेता है, और एकदम जो जो कार्यकर्ता है, सबसे बैठ के ये बातचीत अभी चल रहा है, ये चर्चा अभी तक चल रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को समर्थन दिया था मथुआ समुदाय में उज्ज्वल, अब वो लगातार लोग नागरिकता मिलने की बात भी कह रहे हैं, उस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, उस पर क्या रणनीति है बीजेपी की, इस पर आगे बात। लेकिन बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे पर आज आखिरी उनका दिन है, दूसरा दिन है। इस दौरे से अमित शाह ने बीजेपी के मिशन बंगाल का बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह ने आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही वो मथुआ समुदाय के लोगों से भी मिले। दो दिन के इस दौरे में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य को रखा है, और इसके लिए अमित शाह ने जातीय और सामुदायिक गणित के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक। अमित शाह का मिशन बंगाल, दीदी के गढ़ में शाह का प्रहार, पश्चिम बंगाल में शाह का टारगेट 200, पश्चिम बंगाल के खास समुदाय पर नजर। ২০১৪ से ही अमित शाह की नजर उन राज्यों पर है जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होकर उभरी, और अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह की नजर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अभेद्य किला ढहाने पर लगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर बड़ा कारनामा कर दिखाया। अब 2021 में पार्टी का लक्ष्य और भी बड़ा है। रणनीतिकार अमित शाह अपने दो दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं और मिशन 2021 की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को 200 सीटें दिलाने का टारगेट दिया है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन शुरू किया दक्षिणेश्वर काली मंदिर से। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल की संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। बंगाल में उनका जो लक्ष्य है, आध्यात्मिक जो बंगाल का पक्ष है, आज जो नाम लिया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का, अरविंद घोष का, स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का, तो वो एक आध्यात्मिक जो सेगमेंट है बंगाल में वो बहुत बड़ा है। एक तो उसको संबोधित कर रहे हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उन्होंने ये बात कही भी जाके। अमित शाह ने मंदिर दर्शन के बाद ममता सरकार को तुष्टिकरण की राजनीति के मुद्दे पर घेरा।
जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की 294 में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के जातीय समीकरण और समुदायों को साधना भी शुरू कर दिया है। अपने इस दौरे में अमित शाह ने मथुआ समुदाय का खास तौर पर जिक्र किया। गुरुवार को उन्होंने आदिवासी और पिछड़े समाज को साधने की कोशिश की। जिस मथुआ समाज पर अमित शाह की नजर है, पश्चिम बंगाल में उसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। पश्चिम बंगाल में दलित मथुआ समुदाय का वोट जीत के लिए अहम है। अनुमान के मुताबिक राज्य में मथुआ समुदाय के 72 लाख लोग रहते हैं। मथुआ समुदाय का आदिवासी इलाकों की सीटों पर भी खासा असर है। मथुआ समुदाय धार्मिक प्रताड़ना के कारण 1950 में बंगाल से पश्चिम बंगाल आया था। मथुआ समुदाय के लोग शरणार्थी के तौर पर भारत में रहते हैं। मथुआ समुदाय की सिर्फ एक मांग है कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए। CAA लागू होने से मथुआ समुदाय को नागरिकता मिलेगी, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह की नजर मथुआ समुदाय के अहम वोटों पर है। वो वर्ग जो है दलितों का, आदिवासियों का, वो जो वर्ग है उनके यहाँ खाना खा के वो उनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो भी सरकारें हैं, क्योंकि वो मूल रूप से मध्यवर्ग के ही लोग उसमें होते हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की हो, चाहे ममता की हो, तो वो जो सबसे निग्लेक्टेड वर्ग है उसको साथ लेने की उनकी कोशिश है और उसको मिला के वो ममता को वहाँ चुनौती देने का की रणनीति का एक प्रयास है। अमित शाह ने दूसरे दिन भी मथुआ समुदाय के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और उनके बीच रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको हैरत में डाल दिया था। अब उन्होंने दीदी का दुर्ग ढहाने का मिशन शुरू कर दिया है। चुनाव अभी दूर है, लेकिन अमित शाह ने दूर की कौड़ी को साधने की पहल तो कर ही दी है। उज्जवल, 42 में से 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन इससे बेहतर परफॉर्मेंस करना होगा अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज बीजेपी को होना है, तो उसके लिए रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति जो ढांचा बनाया गया है रणनीति का, अभी तक जो चर्चा चल रही है उसमें सूत्रों के जो सूचना है, 2-3 खबर आई है कि एक तो आपको पहले जैसे बोले कि हर समुदाय के बीच में जाके उनको उनके साथ जुड़े रहने का बात है। एक दो जो 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 केंद्रीय जो योजना है वो बंगाल के अंदर कितना लागू हुआ और कितना नहीं हुआ, और जो लागू नहीं हुआ उसमें कितना आदमी का नुकसान हुआ, ये बात भी जाके जनता को बोलना पड़ेगा। और 3 जो है कि बंगाल में क्या जो सरकार जो है, जो क्योंकि आप देखे हैं कि अमित शाह जी ने कल बांकुड़ा में आके एक तो ममता सरकार की मौत की घंटी बजा दी थी, और दूसरी तरफ 2/3 जो बहुमत से जो भाजपा की सरकार आने की जो बात उसने बोली थी, इसके बारे में जो ये बात जब जनता के सामने ले जाएंगे तो उसको क्या करेंगे सरकार सत्ते में आने के बाद। इसके जो प्रॉब्लम बंगाल की है सबसे, वो भी है रोजगार का, तो रोजगार कैसे दिया जाए, और यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कुछ जो बात कभी कभी आते हैं जो विपक्ष उठाते हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, जो जो मुद्दे लेके प्रॉब्लम अभी तक है वो सब जो प्रॉब्लम को लेके कैसे कैसे सॉल्व करने वाले है, क्या भाजपा करने वाले है, ये बात भी सामने रखनी है। यानी कि एक बिल्कुल नपी तुली रणनीति के साथ पश्चिम बंगाल के मिशन पर निकले हैं अमित शाह, और पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठके करके चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी जोश से लबरेज हैं और ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में 2 अहम नीतियों पर काम कर रही है। पहली रणनीति ये है कि CAA लागू करके मथुआ संप्रदाय और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देना, और दूसरी नीति है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का कार्ड। और इन्हीं दो नीतियों के दम पर अमित शाह का प्रचंड प्रचार शुरू हो चुका है और बंगाल की राजनीति में चुनावी रंग घुलता जा रहा है।
अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार। अमित ने शुरू किया प्रचंड प्रचार। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश। अमित शाह के दो दिन के तूफानी दौरे ने पश्चिम बंगाल बीजेपी को नई ऊर्जा से भर दिया है। दौरे का दूसरा दिन अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा करने से शुरू किया और उसके बाद बैठकों का दौर शुरू कर दिया। अमित शाह कार्यकर्ता संवाद नाम की बैठक में शामिल हुए, साथ ही कार्यकर्ताओं के घर जाकर भी उनसे मिले। घंटों से यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ अमित शाह को एक बार देखने के लिए। आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? आधा घंटा से हम लोग हैं देखने के लिए। क्यों, अमित शाह को देखना है? हाँ, अमित शाह को देखने के लिए। अमित शाह पसंद है बहुत? हाँ। तो वोट भी उनको देंगी क्या इस बार? हाँ, उनको ही देंगे, जिसको पसंद है उसको तो देंगे ही। अमित शाह के दौरे से बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश है और दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सत्ता में आना तय है। पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी का ही गवर्नमेंट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों, अमित जी बड़क के देख कर बोला है, अब लोग करते जाइए, शांतिपूर्वक पार्टी का काम करते जाइए, बंगाल में सुनिश्चित है कि 21 में टारगेट बहुत बड़ा दिया है, 200 सीटों का हो जाएगा। हाँ, वो तो उन्होंने तो सोच समझ के बोला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में टारगेट जैसा ही दिया वैसा ही परिणाम आया है। वो दूरदर्शिता है बोल के तो ऐसा दिया है और वो जो बोलते हैं वैसा ही तो होता है। हम लोग पूरा अच्छी तरीके से हम लोगों का प्रस्तुति है, हम लोग इस बार ममता सरकार को हटा देंगे। अपने दौर के दूसरे दिन अमित शाह ने पद्म भूषण पंडित अजॉय चक्रवर्ती से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का जनाधार नहीं था, लेकिन बीते 6 साल में बीजेपी ने बंगाल में खाली बढ़त बनाई है और ये बढ़त बांग्ला गौरव, राष्ट्रवाद और CAA के जरिए मिली है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से दूसरे दिन का कार्यक्रम शुरू करना जताता है कि अमित शाह बांग्ला गौरव को साध रहे हैं। काली पूजा बांग्ला गौरव और बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस बार कोरोना के चलते पश्चिम बंगाल में उत्सव उतना रंग बिरंगा नहीं रहा, लेकिन इस पूरे उत्सव में राजनीतिक रंग जरूर देखे गए। इस साल बंगाल में पहली बार बीजेपी ने काली पूजा का आयोजन कराया। इन पूजा पंडाल का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ ही 22 अक्टूबर को पूजा पंडाल में लोगों से बात भी की। बीजेपी की नीति पूजा पंडालों से राजनीतिक पकड़ बढ़ाने की है। दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा तक, यानी दशहरे के 9 दिन पहले जब नवरात्र शुरू होता है और तब से दिवाली तक का समय जो है वो बहुत ही सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक से भरा रहता है। उस दौर में उन्होंने, प्रधानमंत्री ने भी वहाँ यात्राएं की, इन्होंने भी की, और बंगाल को संबोधित करने का, अब काली पूजा दिवाली के आसपास होगी तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर गए और वो उससे उनका उस जगह बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के भद्रलोक को साधने के साथ साथ अमित शाह की नजर बड़े वोट बैंक मथुआ और आदिवासी समुदाय पर है। इन दोनों समुदायों को साधने के लिए अमित शाह ने 2 दिन लंच डिप्लोमेसी का सहारा लिया। पहले दिन आदिवासियों के घर जाकर खाना खाया और दूसरे दिन मथुआ समुदाय के व्यक्ति के घर। क्या क्या परोसा जा रहा है अमित शाह जी को? ऐसा हम लोग का जो बंगाली खाना है, रोटी है, चावल है, सब बहुत किस्म का चावल, सब्जी में क्या क्या है? बैंगन है, पोटल है, करेला है, भिंडी है, शीम है, और पनीर, दाल, और विशेषकर उनके लिए जो हमारा जो बंगाली का खाना है, जो मीठा खाना बोलते हैं हम लोग, पायस बोलते हैं, वो गुड़ का होता है। बंगाल का फेमस नलिन गुड़ का पायस उनके लिए परोसा जाएगा। अमित शाह जिस तरह से जमीनी प्रचार में जुटे हुए हैं, उसका बड़ा फायदा बीजेपी को चुनावों में मिल सकता है। बीजेपी ने हर चुनाव में और लगातार बांग्लादेश के घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है।
बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी घुसपैठियों को शरण दे रही है और उन्हें बढ़ावा देकर बंगालियों को हाशिए पर कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ममता ने बंगालियों के हित की अनदेखी की है। राष्ट्रवाद और बांग्ला गौरव के इस मुद्दे पर बीजेपी ने बीते कई साल में काफी वोट जुटाया है। 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4% वोट मिला, जो 2016 में बढ़कर 17% हो गया। इसी वोट फीसदी और सीट शेयर को बढ़ाने के लिए अमित शाह बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। बांग्लादेश से आने वाले जो हिंदू हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब बंटवारा हुआ तो उनको पता ही नहीं था कि धर्म की वजह से इतना गड़बड़ होगा। बहुत सारे लोग रह गए थे और वो आ चुके हैं यहाँ और उनको नागरिकता नहीं मिली है, तो उनको एक तो नागरिकता देने का लक्ष्य है और उनको साथ लेने का। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बड़ा लक्ष्य तय किया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी है।